द्रौपदी का चीर हरण होता है और उस सभा में खींचा जा रहा है द्रौपदी को, जबरदस्ती उठा कर लेके आ रहा है दुशासन। तो द्रौपदी अपने पहले तो जो बड़े हैं सभी की प्रतीक्षा कर रही है कि सामने जाऊंगी सभा में तो पितामह भीष्म बचा लेंगे मुझे। गुरुजी बैठे हैं द्रोणाचार्य और अगर इन्होंने भी नहीं सुना तो मेरे पांच पति हैं बलशाली, कम से कम वो तो मेरी रक्षा करेंगे। उसी समय का ये भजन बहुत प्यारा है, सुना रहा हूं हल्का हल्का थोड़ा सा। हे गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी हे गिरधारी हे गिरधारी हे बनवारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। बड़े प्यार से बजा रहा हूँ। हे बनवारी हे बनवारी हे गिरधारी लाज रखो हे लाज रखो हे कृष्ण लिखी है किसी ने, बहुत सुंदर लिखा है उसने। द्रौपदी कह रही है सभा में लाया गया दुशासन खींचता जा रहा है सभी की ओर, जिसकी ओर द्रौपदी देखती है वही अपनी नजरें झुका लेता है। तो द्रौपदी कह रही है मैं समझी थी सभा है सारी यहाँ तो अंधी
सभा है सारी लाज रखो है मुझे तो लग रहा है कि सभा में जितने भी बैठे हैं सभी अंधे बैठे हैं। अरे कबला की लाज जा रही है और बड़े बड़े वीर बैठे हैं सभा में, तो सभा को तो अंधी ही कहा जाएगा। सर नीचे करके बैठे हैं, सर नीचे करके बैठे कृष्ण
पितामह भीष्म बैठे हैं। विचार करने वाली बात है, पितामह भीष्म जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, ऐसे ऐसे बलशाली बैठे हैं, कोई मार तो सकता ही नहीं। और फिर पितामह किसी को डांटते हो तो उसका साहस हो जाए किसी अबला पर हाथ उठाए। तो पितामह भीष्म ऐसे बलशाली सभा में बैठे तो द्रौपदी अंत में पितामह भीष्म की ओर देखा, जैसे सोच बाबा भी चुप बैठे, बाबा बाबा भी क्यों चुप बैठे, पता नहीं क्या उनकी लाचारी, पता नहीं क्या उनकी लाचारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी।